हेलो एवरीवन, आज हम लोग बना रहे हैं पास्ता की बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी, जिसके लिए हमारे पास है अनियंस, ग्रीन येलो कैप्सिकम, कॉर्न्स, मशरूम, गार्लिक, ऑरेंज एंड रेड कैप्सिकम, थोड़ी सी कैबेज, और ये चिकन लिया हमने जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी इसको फ्राई कर लिया है थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और थोड़ा सा ऑरिगैनो डाल के, और ये ग्रीन चिलीज़ हैं जो हम लोगों ने क्रश की हुई हैं, और वी नीड टू एग्स और साथ में चिकन स्टॉक और डेफिनेटली पास्ता। उसके अलावा हम लोगों ने ऑयल यहाँ पे आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं, हमारे पास ऑलिव ऑयल भी है और हमारे पास नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी है, और हमारे पास यहाँ पे है ऑर्गेनो और टोमेटो केचप, और दिस इज़ वी से इट्स अ हॉट सॉस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा गैस ऑन हो गया और हम लोगों ने ऑयल डाल लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपने जो भी ऑयल डालना है तो कम ज़्यादा इट्स अकॉर्डिंग टू यू। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल डालें या फिर नॉर्मल ऑयल डालें, और कुछ लोग बटर भी डालते हैं, आई एम अवॉइडिंग बटर। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे डालेंगे गार्लिक, एंड नेक्स्ट हम लोग डालेंगे अपने अनियन। ये हमारे अनियन पैन में चले गए हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद अब हम लोग डालेंगे ऑल काइंड ऑफ कैप्सिकम, लाल वाली कैप्सिकम, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। अब इसको हम लोग फिर से फ्राई करेंगे। अब इसको हम लोग एक दो मिनट के लिए और फ्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी दूसरी वेजिटेबल्स डालेंगे। दूसरी वेजिटेबल्स डालने से पहले हम लोग चिकन डालेंगे इसमें, क्योंकि चिकन इसमें प्रॉपर तरीके से मिक्स होना चाहिए। तो ये हमारा चिकन गया पैन के अंदर, और इसको हम लोग फिर स्टर फ्राई करेंगे कुछ मिनट्स के लिए, थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, एंड देन जो है हम लोग अपने बाद में वेजिटेबल्स डालेंगे। अब ये वेजिटेबल्स और चिकन आपस में थोड़ा फ्राई हो गया, अब हम लोग डालेंगे कॉर्न, क्योंकि कॉर्न थोड़े से स्टिक होते हैं, तो हम लोग कॉर्न पहले डालेंगे और इसको अब हम हिलाएंगे। मिक्स करके एक दो मिनट के लिए हम लोग इसको फ्राई होने देंगे। हम लोग अपना ऐड करेंगे इसमें मशरूम एंड कैबेज, और फिर से हम लोग इसको हिलाएंगे और कुछ मिनट के लिए, लाइक वन एंड हाफ मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। अब ये देखिए वेजिटेबल्स का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, और इन द मीन टाइम हमारी ये वेजिटेबल्स अभी हो रही हैं, तो हम लोग दूसरी तरफ एग फ्राई कर लेते हैं, जो कि हम लोगों के पास्ते के अंदर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एग फ्राई करेंगे, थोड़ा सा तेल चाहिए हम लोगों को, और हम लोग अभी दो अंडे इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए तो उसके साथ हम लोग टू एग्स के अंदर डाल के उनको प्रॉपर फ्राई करके उनको क्रश कर लेंगे विथ फोर्क। अब हम लोग दो अंडे डाल रहे हैं इसके अंदर, जिस तरह से थोड़ा थोड़ा एग फ्राई हो रहा है, हम लोगों ने फोर्क लेके इसको हिलाते जाना, मतलब हम लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से तोड़ देना है, क्योंकि वो क्रश करके छोटे छोटे चंक्स में आ जाएगा, और वही सारे चंक्स हम लोग अपने पास्ता की रेसिपी में यूज़ करेंगे। ये देखिए अब ये जो एग है, ये बहुत हमने छोटे छोटे चंक्स में कर लिया, और यही चंक हम लोग अपने पास्ता की रेसिपी में ऐड करेंगे। और अगर आप एग खाते हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल्स और चिकन आपस में मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन क्यूब एंड चिलीज। चिलीज भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हो, बिकॉज कोई कम खाता है कोई ज़्यादा। सेम रेसिपी आप लोग बच्चों के लिए भी बना सकते हो, बट विदाउट चिलीज। यू कैन यूज ब्लैक पेपर, हम लोग बच्चों के लिए हम लोग ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, तो आप ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हो। अगर बच्चे बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं खाते तो ये आप बिना उसके भी बना सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे केचप, और थोड़ा सा हॉट सॉस, और ऑरेगानो। ऑरेगानो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, पर ज़्यादा ऑरेगानो मत डालेगा, बिकॉज वो उसको टेस्ट को बहुत ज़्यादा कड़वा कर देता है। अब आप मिक्स करें,
टू सेकेंड्स हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद हम लोग अपना ऐड करेंगे इसमें पास्ता। ये हमारा पास्ता ऐड हो गया है और अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा इसको हिलाने के बाद हम लोग उसको ढक के रख देंगे जिससे ये आपस में वेजिटेबल्स और पास्ता आपस में मिक्सअप हो जाए। मैंने यहाँ पे नमक यूज़ नहीं किया है बिकॉज मैंने चिकन क्यूब्स यूज़ किए हैं और चिकन क्यूब्स में ऑलरेडी नमक होता है, तो इनकेस अगर आप चिकन क्यूब्स नहीं यूज़ कर रहे तो प्लीज़ आप नमक ऐड कर लें। अब हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप, हम लोगों को इसमें अंडा ऐड करना है जो कि हमने फ्राई किया हुआ है, और उसको भी थोड़ा सा करीबन एक डेढ़ मिनट के लिए मिक्सअप करना है। लुक एट द कलर, ये हमारा पास्ता अब पूरी तरह से तैयार है। हम इसको डिश आउट करेंगे और आप प्लीज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट, पेपर, चिलीज़ जो भी आपको ऐड करना उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लें। हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा पास्ता रेडी है, बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। हमारी पास्ता की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ऑल द वेजिटेबल्स, चिकन और एग सब नज़र आ रहा है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो टू दिस चैनल। थैंक यू।